नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। मेलवेयर से हैकर्स यूजर को लगातार टारगेट करते रहते हैं, इसको लेकर कई जानकारियां सामने आती रहती हैं। अब जो नई जानकारी सामने आई है उसके अनुसार हैकर्स फेक कोविड-19 वैक्सीन रजिस्ट्रेशन ऐप से एंड्रॉइड यूजर्स को टारगेट कर रहे हैं। यूजर्स के मोबाइल में मेलवेयर को इंस्टॉल करवा दिया जाता है, फिर वो यूजर्स के पर्सनल डाटा को कलेक्ट करता रहता है। इस मेलवेयर के वेरिएंट का नाम SMS वॉर्म है। इस मेलवेयर के बारे में साइबर इंटेलिजेंस कंपनी साइबर ने रिपोर्ट किया है। ये मेलवेयर यूजर्स के कॉन्टैक्ट को फेच कर दूसरे डिवाइस में टेक्स्ट मैसेज के जरिए अपने आप को फैलाता है। टेक्स्ट मैसेज से ऐप के डाउनलोड का लिंक होता है। जैसे ही यूजर्स के इस लिंक पर क्लिक करते हैं, मेलवेयर उनके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता है। साइबर इंटेलिजेंस कंपनी साइबर इंडिया के रीजनल डायरेक्टर रुचिर वर्मा ने हमें बताया कि कोरोना की वजह से ही कई देश प्रभावित है। हैकर्स ऐसे देशों को अपना निशाना बना रहे हैं, इस वजह से भारत के यूजर्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। हैकर्स कोरोना वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन ऐप के नाम पर लोगों के डिवाइस में मेलवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। इस वजह से यूजर्स की सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैकर्स तक पहुंच जाती है, जिसका गलत फायदा वो उठाते हैं। उन्होंने बताया कि इससे कितने लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, ये डेटा अभी तक सामने नहीं आया। हालांकि उनका अनुमान है इससे लाखों लोग प्रभावित हो चुके हैं, जिन्हें कोरोना वैक्सीनेशन के ऐप के नाम पर हैकर्स अपना शिकार बना चुके हैं। ये मेलवेयर यूजर्स के डेटा को अपने आप डिलीट या एक्सपोज कर सकता है। कोविड-19 वैक्सीन रजिस्ट्रेशन ऐप के नाम पर कई फेक ऐप बनाए गए हैं। इन ऐप में मेलवेयर छिपे होते हैं। ये मेलवेयर यूजर्स के टारगेट कर उनका पर्सनल डेटा कलेक्ट करता है। इसकी वजह से अगर यूजर्स ऑनलाइन शॉपिंग या बैंक से जुड़े कामों को करते हैं तो उनके बैंक डिटेल्स भी हैकर तक पहुंच जाते हैं। इससे यूजर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।